क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड दी ऐप नाउ। नमस्ते और ढेर सारा स्वागत, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पिछले 3 साल से लगातार मुंबई इंडियंस के लिए रन बना रहे सूर्य कुमार यादव को इंडियन टीम की जर्सी कब मिलेगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल लगातार रह कर सामने आ रहा है। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हर बार ये सवाल सोशल मीडिया पर और खेल की खबरों में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर सूर्या ने 79 रनों की नॉट आउट पारी खेल कर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई, वो भी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की आईपीएल टीम आरसीबी के खिलाफ। ऐसे में ये मांग फिर से उठ रही है कि उन्हें अब टीम इंडिया में शामिल किया जाए। इन तमाम सवालों के बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान कायरन पोलार्ड ने कहा है कि टीम इंडिया में मौका नहीं मिलने की वजह से सूर्य कुमार यादव अंदर से काफ़ी निराश हैं, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्हें फल ज़रूर मिलेगा। पोलार्ड ने मैच के बाद टीम के प्रदर्शन पर कहा कि मैं भी बहुत क्रिकेट देखता हूँ, मैच के बीच मैंने बाजी अपने हाथ में ली और एबी को गेंदबाजी की, मैं आखिरी ओवर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अगर कोई गेंदबाज रनों के लिए जाता है तो फिर मुझे गेंदबाजी के लिए आना ही था। बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन फिर कहना चाहूँगा कि हम एक टीम की तरह खेल रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई बीड़ा उठाने के लिए आगे आता है। टीम के प्रदर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी पर भी कायरन पोलार्ड ने बात की। उन्होंने कहा कि इमेजिन करिए, 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद कोई इस तरह के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, वो यानी कि सूर्या ब्लू जर्सी नहीं मिलने की वजह से अंदर से काफ़ी निराश है। वो लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आप लगातार अच्छा कर रहे हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सूर्या के अलावा पोलार्ड ने अपनी बल्लेबाजी पर भी बात की। कप्तान ने कहा कि मेरी बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर हमेशा चर्चा होती है, मैं ऊपर जाकर खेलना और रन बनाना पसंद भी करता हूं, लेकिन हमें वही करना है जो अल्टीमेटली टीम के लिए अच्छा हो। मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से जीत के साथ आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 16 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर आ गई है। अगर कोई बहुत अप्रत्याशित बदलाव नहीं हो गए, कोई किसी मैच का नतीजा बहुत संभावना से उलट नहीं हो गए, तो मुंबई इंडियंस की अब जगह प्लेऑफ में भी पक्की है। वहीं आरसीबी के पास अब 2 मैच बचे हैं, उन्हें 2 में से कम एक मैच तो जीतना ही है ताकि वो प्लेऑफ में पहुंच सकें, और इसके साथ अपने नेट रन रेट का भी ख्याल रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े तमाम खबरें, मैच के हाल, ट्रिविया, स्टैट्स, किस्से, सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही मैच के टाइमिंग्स पर, मैच के बीच में, मैच के बाद लाइव के जरिए भी आपसे जुड़ते जा रहे हैं। ये खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने, कैमरे के पीछे हैं राशिद, मेरा नाम है अभिषेक। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।